क्लास टेंथ गुड मॉर्निंग। ये डाउट पूछा था किसने, प्रगति ने। यहाँ देखो इस टाइप का क्वेश्चन, ये मैं इसलिए अलग से इसका वीडियो बना रहा हूँ ना कि इस टाइप के पांच छह क्वेश्चंस आते हैं। फिर अगर मैंने इसको शुरू किया तो ढंग से समझ लो, काम चलाओ, इसका आंसर बता दो ना, तो वो ठीक नहीं होगा। अब इसके पूरे डिटेल को समझो आप, इसलिए अलग से वीडियो बनाना पड़ा इसका, है ना। ये CBSE में तो कभी था नहीं ऐसा वाला क्वेश्चन। आपने जो कि स्टैंडर्ड लिया है तो आप कुछ भी नहीं कह सकते, स्टैंडर्ड मैथ्स में कुछ भी दे सकता। पर मैं ये कंपटीशन वाले बच्चों को मैं बताता था। अब देखो क्वेश्चन समझो, तो मैं एक इसका शॉर्टकट ये होता है ना कि क्वेश्चन समझो, एक किसी नंबर को अगर 143 से डिवाइड किया जाए ना तो वो बच रहा है, 31 रिमाइंडर है। तो बताओ उसी नंबर को अगर मैं 13 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर क्या होगा, है ना। तो यहाँ पर ट्रिक क्या होता है ना, काम चलाओ ट्रिक जो होता है ना, जो रिमाइंडर है उसी को आप डिवाइड कीजिए जिसे डिवाइड करने के लिए कह रहा है 13 से। तो 31 को रिमाइंडर क्या है, 31 को 13 से डिवाइड करो ना, तो 13 टू जा 26, रिमाइंडर क्या बचेगा 5, तो आंसर हो जाएगा 5। ये तो हो गया शॉर्टकट काम चलाओ। पर कभी कभी अगर इसके डिटेल में जाओ ना तो ये आंसर कभी कभी गलत भी हो सकता है। कभी कभी क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि रिमाइंडर क्या बचेगा, कभी कभी पूछेगा रिमाइंडर क्या क्या बचेगा, वॉट ऑल, समझ रहे हो। तो देखना, समझ रहे हो, यहाँ पे ऐसे वाले क्वेश्चन को मैंने रिमाइंडर को 13 से डिवाइड किया। पर तरीका क्या है मैं आपको सिंपल से एक एग्जांपल से समझाता हूँ। यहाँ पे 143 हटाता हूँ और यहाँ पे मैं 16 लेता हूँ। यहाँ पे चलो किसी को 16 से डिवाइड करेंगे ना तो रिमाइंडर लेस देन 16 बचेगा। मैं यहाँ पे 10 कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं 8 कर लेता हूँ। तो किसी को मैंने डिवाइड किया 16 से, तो लेट नंबर इक्वल टू 16 से डिवाइड किया तो 16 क्यू, कितनी बार में डिवाइड हुआ, कोसेंट मैंने क्यू लिया पर रिमाइंडर ऑलरेडी दे रखा 10, है ना। ए इस नंबर को मैंने लेट कर लिया ए, राइट। अब जरा बताओ ए को किससे डिवाइड करना है, उसी नंबर को 8 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे क्यू क्या हो सकता है, क्यू क्या हो सकता है, 1, 2, 3 ऐसा कुछ भी हो सकता है ना कोसेंट। जरा एक बार बताओ क्यू की जगह 1 रख के देखो, मैं पहले आप डिटेल समझो, क्यू की जगह 1 रख के देखो तो बताओ ए क्या होगा, ए क्या होगा अगर तुमने क्यू की जगह 1 रखा। 16 × 1 = 26 हो गया। जरा इसको 8 से डिवाइड करके बताइए रिमाइंडर क्या बचेगा, 8 × 3 = 2 बचेगा कि नहीं। क्यू को आप 2 रख के देखिए तो बताइए तो क्या बचेगा, 2 रख के देखो, 16 × 2 = 32 + 10 = 42 को 8 से डिवाइड करके बताओ रिमाइंडर क्या बचेगा। तो कुछ भी रख के देखो रिमाइंडर क्या बचेगा, 2। इसको बनाने का तरीका क्या होता है ध्यान से सुनिए, 16 क्यू + 10, ये जो क्यू है ना ये अननोन है, ये तो कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 3, 1,000, 2,00,000, 3,00,000 कुछ भी। तो अब आपको किससे डिवाइड करना है, ए को डिवाइड करना है 8 से, तो 8 से डिवाइड कीजिए। पहले बताइए जो क्यू वाला जो टर्म है ना 8 से डिविजिबल है कि नहीं, है ना, ठीक है ना। 16 क्यू इज डिविजिबल बाई 8, कन्फर्म होके बताओ क्यू क्या है, भूल जाओ क्यू तो कुछ भी हो सकता है ना, हो सके क्यू 8 हो तब तो पूरी तरह से डिवाइड हो गया, पर आपकी नज़र इस पे रहना चाहिए, इस पे 16 है ना डिविजिबल बाई 8, यस या नो, 16 को देखो गौर से इज डिविजिबल बाई 8, तो आप कन्फर्म, देयरफॉर रिमाइंडर, अब तुम यहाँ पे कन्फर्म होके कह सकते हो कि रिमाइंडर इज, अब यहाँ से अब रिमाइंडर कैसे निकालोगे, तो रिमाइंडर को 8 से डिवाइड करके पता कर लो क्या आ जाएगा, 2। समझ रहे हो, अभी और समझो ध्यान से देखो। अभी यहाँ पे 21 दिस डिवाइडेड बाई 7, अगर मैं 7 से डिवाइड करूँगा तो क्या बचेगा, पहले तो नंबर क्या हो जाएगा, 21 से डिवाइड करोगे 21 क्यू प्लस क्या रिमाइंडर, चलो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 15, है ना, ऐसा लिया 21 से डिवाइड किया कितनी बार में पता नहीं, क्यू 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है, रिमाइंडर 5 है। अब इसको किसे डिवाइड करना, 7, तो सबसे पहले क्यू वाले टर्म को देखो, 7 से डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो आंसर आप कंफर्म आंसर दे सकते हो, रिमाइंडर को डिवाइड कर दो 7 से, तो रिमाइंडर क्या हो गया, 1 हो गया आंसर। अब तुम क्यू कुछ भी रख के देखो, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी रख के देखो, तुम 7 से डिवाइड करोगे ना तो हर हाल में रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा, है ना। लेकिन जरा यहाँ पे अगर बताओ, समझ रहे हो इस बात का, सिर्फ एक ही आंसर होगा क्योंकि क्यू वाला टर्म गायब हो रहा है, तो रिमाइंडर को 7 से डिवाइड कर लो। लेकिन अगर यहाँ पे बताओ, अगर यही क्वेश्चन ये रहता ना 14, तो हमारा आंसर क्या होता, पहले तो 21 से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या बच गया 15, देयरफॉर नंबर इज लाइक दिस, राइट, नाउ दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 14, तो व्हाट विल बी रिमाइंडर, रिमाइंडर या रिमाइंडर्स। अब जरा एक बार बताओ क्यू वाले टर्म को देखिए आप, ये 14 से डिवाइड हो रहा है, नो
डिवाइड नहीं हो रहा ना, तो फिर यहाँ पे रिमाइंडर नहीं बचेगा, रिमाइंडर्स बचेगा मोर देन वन। तो कैसे पता करोगे, आप यहाँ पे क्यू की जगह वन रखिए, तो बताइए ए क्या हो जाएगा, 21 इंटू वन प्लस 15 कितना हो गया 36 है कि नहीं, बताओ। इसको तुम 7 से डिवाइड करो तो बताओ रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 1, देख लो। अगर मैं क्यू की जगह 2 रखता हूँ ना, तो 2 रख के देखो 42, तो 42 प्लस 15 कितना हो गया 57, तो ये हो गया 57। तुम इसको 7 से डिवाइड करो तो यहाँ भी रिमाइंडर क्या हो गया, 1, 21, 42, और ठीक है। अब q इक्वल टू 3 रखिए। अच्छा ये 40, देखो मैं गड़बड़ कर रहा हूँ ना, 14 से डिवाइड करो ना, यही तो 14 से डिवाइड करना है। 36 को 14 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, है ना, 14 टू जा 8 बचेगा, देख लो आप। q की जगह 2 रख के देखिए तो a क्या हो गया, 57 हो गया ना। इसको तुम 14 से डिवाइड कर लो, 14 फोर जा 56, रिमाइंडर हो गया 1। क्यू की जगह तुम 3 रख के देखो, 63 प्लस 15 8 हो गया ना, 78। ए क्या हो गया, 78। इसको तुम 14 से डिवाइड करो, फिर से क्या बचेगा, 8। अब रिपीट होता जाएगा, बस यही दोनों रिमाइंडर बचेगा क्योंकि रिपीट हो रहा है, तो खाली रिमाइंडर क्या होगा, 1 एंड 8, यहाँ पे दो दो रिमाइंडर होगा। तुम जो मर्जी रखना है क्यू का वैल्यू रख के देखो, या तो 1 आएगा या तो 8, कुछ और नहीं आएगा। अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करता हूँ, देखो, देखिए जरा। अब ऐसा लेता हूँ 8 लीव्स रिमाइंडर 5, चलो, है ना, एज रिमाइंडर। व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द थ्राइस ऑफ दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 12, है ना, थ्राइस। तो सबसे पहले नंबर में लेट कर लेता हूँ, 8 से डिवाइड किया क्यू बार में, रिमाइंडर हो गया 5। अब कहता है इसके थ्राइस को, इस नंबर के तिगोने को किसे डिवाइड करना है भाई, 12 से, तो रिमाइंडर क्या बचेगा। तो मैं थ्राइस करता हूँ, 3a इक्वल टू क्या, 3 से मल्टीप्लाई क्यों 24 क्यू, अब प्लस 3 से मल्टीप्लाई करो 15, सारे नंबर्स को किसे डिवाइड करना है, 12। तो बताओ यहाँ पे चेक करो 12, बताओ तो ये क्यू वाला पोर्शन 12 से कैंसिल आउट हो रहा कि नहीं हो रहा। मेरा क्वेश्चन है कि जो क्यू वाला जो पोर्शन है ना, इज डिविजिबल बाय 12 और नॉट, आपने बोला यस, तो आपका आंसर यहीं से आएगा। तो अब रिमाइंडर क्या आएगा, 15 को 12 से डिवाइड कीजिए तो रिमाइंडर क्या आएगा, 3, क्योंकि ये वाला पोर्शन पूरी तरह से राइट ऑफ हो गया। एक ही आएगा, तुम क्यू चाहे 1 रखो, चाहे 2 रखो, चाहे 1000 रखो, कुछ भी रखो, इसका थ्राइस करोगे ना तो रिमाइंडर क्या आएगा, 3 जवाब, ठीक है। अब यहाँ पे एक काम करता हूँ, अगर यहाँ पे मैंने 16 क्या होता ना, सोच लो थोड़ा ध्यान से, जिन बच्चों को थोड़ा डिटेल में पढ़ना है उन बच्चों के लिए सारा, है ना, 8 से डिवाइड किया तो 5 बच गया, 16 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, थ्राइस को। तो पहले बताओ 3a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 24 क्यू प्लस 15, अब किसे डिवाइड करना है, 16 से। पहले बताओ क्यू वाला टर्म 16 से निपट जाएगा क्या, कैंसिल आउट हो जाएगा क्या, आपका आंसर है NaHi, नहीं ना। तो फिर अब क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा कि रिमाइंडर क्या आएगा, पूछेगा रिमाइंडर क्या आएगा, व्हाट ऑल द रिमाइंडर्स कैन बी पॉसिबल व्हेन थ्राइस ऑफ दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 16, क्लियर। तो अब क्या क्या आएगा क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, तो क्या क्या जानने के लिए ना क्यू की जगह वैल्यू रखिए आप, यही था। अब क्यू की जगह 1 रखो, तो 1 रख के देखो तो कितना हो गया, 39 हो गया, 39 को तुम 16 से डिवाइड करना है ना, बताओ रिमाइंडर क्या बचेगा, 39 को 16 से डिवाइड कीजिए तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 16 टू जा 32, 7 बचेगा, देख लो आप। फिर q की जगह 2 रख के देखो, 24 टू जा 48 प्लस 15 मेरे ख्याल से 63 आ रहा, तुम लोग देख लो भाई, इसको 16 से डिवाइड करोगे तो ये 15 बचेगा रिमाइंडर, ठीक है। q इक्वल टू 3 रख के देखिए आप, 3 रख के देखिए तो 72 प्लस 15 क्या हो गया, 87। अब इसको फिर से तुम 16 से डिवाइड करो, फिर से क्या बच गया, 7। अब आप सोचो केवल दो ही रिमाइंडर बचे क्योंकि रिपीट हो रहा, 7 एंड 15, दूसरा कोई पॉसिबल नहीं है, आप करके देखो, नहीं तो कुछ भी रख के देखो, तुम यहाँ पे 10 रख के देखो या 5 रख के देखो, 120 135, इसको तुम 16 से डिवाइड कर लो तो 16 7 जा ये देखो 112, 16 8 जा 128, तब भी क्या बच गया, 7, मेरी बात समझ रहे हो ना। तो ये
एक तो इस टाइप का क्वेश्चन हो गया, तुम देख लेना। फिर कभी कभी आपसे ऐसा पूछेगा, आपने डाउट्स पूछ के ना ये वाला टाइप छेड़ दिया है ना, तो मुझे डिटेल में बताना ही पड़ेगा, इसका कोई काम चलाओ तरीका क्या बताऊँ। इस टाइप का कंपटीशन में आते हैं, अगर आपको ओलंपियाड वगैरह देना है तो। अगर ये आप नंबर वन डिवाइडेड बाई एट लीव्स ये, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन क्यूब या स्क्वायर, छोड़ दो स्क्वायर ऑफ दिस नंबर इज डिवाइडेड बाई, अब सुनना मेरी बात, अगर आप बहुत इंटेलिजेंट हो तो सुनो, डिवाइडेड बाई 16 है ना क्यूब। तो सबसे पहले नंबर आपने क्या लिया, 8 क्यूब प्लस 5, अब कहता है इसका स्क्वायर करने के लिए, 8 क्यूब प्लस 5 का होल स्क्वायर क्या होता है फार्मूला, ए का स्क्वायर देख लो तुम प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, क्लियर है ना। आपको नज़र किस पे रहना चाहिए, अननॉन्स पे, यहाँ पे अननॉन नहीं लिखता हूँ, अननॉन, चलो अननॉन ही है, क्यू दो दो जगह पे। तो सबसे पहले क्यू वाले टर्म, क्योंकि क्यू मुझे पता नहीं क्यू क्या होने वाला है, प्लस 25। अब किससे डिवाइड करना है, 16 से डिवाइड करना है, तो बताओ क्यू वाले टर्म 16 से डिवाइड हो रहा है क्या, ये वाला डिवाइड हो रहा है क्या, यस, ये वाला डिवाइड हो रहा है क्या, यस। तो अब आप कंफर्म आंसर दे सकते हो, तो तुम्हारे यहाँ पे कंफर्म आंसर होने वाला है, क्योंकि क्यू वाला सारा का सारा जो है ना निपट गया। तो अब 15 को तुम 16 से डिवाइड करोगे तो डिवाइड तो हो ही नहीं रहा, तो जब हो ही नहीं रहा तो क्या होगा, रिमाइंडर वही का वही बच जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 15। समझ रहे हो मेरी बात। ये अगर मान लो यहाँ पे अगर सोचो, अभी इतना लेवल नहीं जाएगा क्वेश्चन का, अगर यहाँ पे मान लो 32 होता तो क्या होता आपका आंसर, तो 32 होता, हमने स्क्वायर कर दिया, तो ये 32 से ये वाला जा रहा है, 32 से ये वाला नहीं जा रहा है, तो फिर आपका पता है यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछता, क्या क्या आएगा, क्या क्या आएगा है ना, व्हाट ऑल द रिमाइंडर विल बी पॉसिबल व्हेन डिवाइडेड बाई, समझ लो ना मेरी बात। तो वो क्या क्या का आंसर कैसे निकालोगे, क्यू इक्वल टू 1 रख के, 2 रख के, 3 रख के, फिर आपको पता चल जाएगा कि रिपीट जब होना शुरू हो जाए तो समझ जाओ। ऐसे क्वेश्चन फिलहाल नहीं आएंगे, पर मुझे तो समझाना था। अब एक इस टाइप का क्वेश्चन देखिए आप, ये देखिए, मान लो एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूं, देखो है ना, विच लिस्ट नंबर, लिस्ट नंबर इज मल्टीप्लाइड टू 120 सो दैट फर्स्ट 120 विल बी स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर विल बी परफेक्ट स्क्वायर है ना, इट विल बी परफेक्ट क्यूब, ऐसा क्वेश्चन आ जाए। विच लिस्ट नंबर 120 को कम से कम किससे मल्टीप्लाई करोगे, तो आपने पढ़ा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, तो आप जरा देखो 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 × 2 × 2 × 3 × 5 होगा कि नहीं होगा, 15 × 8 = 120। अब आपको फर्स्ट परफेक्ट स्क्वायर करना है ना, परफेक्ट स्क्वायर करना है ना, तो हर चीज़ का जोड़ा बनाओ, पेयर्स बनाओ, हर चीज़ दो दो बार होना चाहिए। तो हमारा क्या है, 2 × 2 × 2 × 3 × 5, तो 2 का जोड़ा बना रहा हूँ, पेयर यहाँ पे है, 1 2 है, इसको पेयर करने के लिए 1 2 और चाहिए, 1 ही 3 है, 1 और 3 है ना, 1 ही 5 है, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा है ना। अगर 1 2 से मल्टीप्लाई करते तो पेयर बन जाता, 1 3 से मल्टीप्लाई करते तो पेयर बन जाता 1 5, तो ये कितना हो गया 30। अब 120 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3600 हो जाएगा, और ये इसका रूट क्या हो जाएगा 60, ये है ठीक है ना। दूसरा क्या है, आपको बनाना है परफेक्ट क्यूब, क्या बनाना है परफेक्ट क्यूब, तो जैसे स्क्वायर के लिए आपने दो दो के पेयर्स बनाए थे ना, अब यहाँ पे 3 3 का पेयर बनाओ, 2 × 2 × 2 × 3 × 5, ये देखो ऑलरेडी है ना, 3 3 में है ना, अब यहाँ पे क्या है 1 ही है, तो आपको 3 2 बार और चाहिए, और यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 9 × 25, तो 225 से मल्टीप्लाई करना।